आज मार्शल बताएंगे कि गोभी गोश किस तरह बनाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले वेलकम एवरीबॉडी एंड टू आवर चैनल। एंड आज वो भी कह रहे कि मैं बनाऊं जो मुझे बनाना नहीं आता, सो आई एम गोना गिव इट अ ट्राई। ये 1 kg लैम्ब गोश्त हमारे पास है। ऑयल जो है 200 ml इस्तेमाल करेंगे। जो गोभी हमने देखा कि छोटे छोटे पीस काटे हैं आपको नजर आ रहे हैं, नाइस, तो ये भी 1 kg है। फिर अब आएंगे मसालों पे। अब जो मुझे नजर आ रहा है ये हल्दी 1 teaspoon, गरम मसाला आपके पास जो है 2 प्याज है, ठीक है जी, 2 टमाटर हो गए मीडियम साइज का अपने जैसे, एंड देन यहाँ पे आपके पास है अदरक एंड 5-6 मिर्ची होगी और थोम हो गया वन क्लोव की तरह, ठीक है जी। अब हम आपको दिखाएंगे कि अब क्या करना है। आप जैसे देख सकते हैं कि जो साइज़ है ना, इतने पतले पतले बारीक जो हमने काटे हैं, ठीक है जी। अब 200 ml मेरा सू शेफ है जी, आज रूबी जी मेरी सू शेफ है। थैंक यू स्टार। हाँ जी, चलना वो थोड़े से मीडियम हो गए। हाँ, ये तो बिल्कुल मीडियम हो गए हैं, तो इसको भी तक घूमने ये और मैं जल्दी ये हम वी शो यू विल ट्राई शो यू एंड देयर थोड़े से मीडियम हो गए हैं रिकॉर्डिंग इज ऑफ। सो ये गार्लिक है, ये मिनी चॉपर में डाल के इसको बनाया गया। ये भी क्यों और स्पेशली है हमारे कामरान भुट्टा मलिक का, आपको जो भी बहुत पसंद है तो ये भी आपके नाम है। ये तो जो मैंने बोला था मुझे उधर भी बोल दिया, ठीक है जी, ये हो गया। ओके कामी, ये आज यू नो ये मैं आपके लिए बना रहा हूँ गोभी गोश्त जो आपको पसंद है, कामरान भुट्टा, आज यू नो इज वन ऑफ योर फेवरेट्स, तो ये आपके नाम बन गए। एंड ये रिकॉर्डिंग चल रही है फॉर द यूट्यूब चैनल। सो नाउ अब इसके अंदर गोश्त डाला जाएगा। तो कामी, अब तो तुम कैनेडा में हो सो यू नॉट रीच है, लेकिन आज शाम को जब मैं इसको खाऊंगा तो मैं ज़रूर आपके बारे में सोच रहूँगा कि हमारा शहज़ादा कामरान भुट्टा इज़ नॉट हियर और भुट्टा साथ के लिए। अच्छा साथ ही हैं सॉल्ट एंड ज़ीरा, तो ये जी सॉल्ट एंड ज़ीरा सी है, वो ये हुआ ज़ीरा और ये हुआ सॉल्ट। ओके, तो ये सॉल्ट एंड ज़ीरा क्यों डाला जा रहा है, सब कुछ क्यों नहीं डाला जा रहा है? गोश्त में इसलिए डालते हैं कि वो जो स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाती है। ओके, जो अभी आप 2 मिनट के लिए भूनेंगे ना, हाँ, तो वो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। हाँ, दिस वन फ्रॉम द नाउ वी गोना ऐड इन द अदर वन फ्रॉम देयर, यू नो देयर वी गो ऐड इट। अब इसको कितनी देर हिलाना है, क्या करना है? 1-2 मिनट। व्हाट यू हैव इज ग्रीन चिली, अगेन वो मिनी चॉपर में डाल के ग्रीन चिली को भी करके, एंड देन मिनी चॉपर के साथ पानी है बाय द वे, दिस इज वो है, ये भी ऐड कर दिए और उसमें डाल दें नाउ द पिंचो, ठीक है पिंचो करेंगे। Okay. No. That's it. Done. So this is the first step of making. अब गोश्त को डालना है ना, है ना? और टमाटर डाल दे, ऐसे ही डाल दे, आपके लास्ट में गोश्त डाल दे। ऐसे ही? Yeah. So now we put tomatoes in. For men. अच्छा जी. ऐसे ही डाल दे। चारों की चार? है. Yeah. इसको हिला के. डाल दे क्या? हाँ जी वही कर रहा हूँ, इसके ना एड अ लिटिल बिट मोर वाटर, ठीक है, थोड़ा सा और पानी डाल के ये रही। अब ये देख सकते हैं मैंने टमाटर जो सावर डाले थे, अब इसका छिलका उतार दूंगी। आप इस तरह छिलका उतार दें तो
अब टमाटरों का छिलका नहीं रहेगा। Here we are. So now we're gonna add the gobi. As you can see, the borscht is nice and ready. Yeah, yeah. So the borscht, yeah, bhunge. This is already prepared. Ab iske andar ye gobi are going. That's fine. अंडे जितना मर्जी बनवा ले, लेकिन इस फर्स्ट टाइम मेकिंग देखने प्रॉब्लली गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन चलो वीडियो बनेगी तो वीडियो को फॉलो करते हैं। I'm adding half a bowl of water in there, so it can be nicely inshallah. तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे अब इसमें बनेगा तो ये स्लोली जी, ये आपका नया शेफ है, आज के बाद आपको ये खाने बताएगा किस तरह बनाने हैं और हमें अच्छे अच्छे खिलाएगा, आप सबको बताएगा। And that's it. So मुझे सिर्फ अंडे बनाने आते हैं, and that's really it. तो अभी मैंने कहा कि यार आज आप बनाओ, so this is the first time कि मैं गोभी गोश्त बना रहा हूँ, और ये मेरा एक बड़ा खास एक भाई है, उसका नाम है कामर भुट्टा, वो बड़ा पसंद करता है, तो मैं इसको शाउट आउट दे रहा हूँ इस चैनल पर। सो ब्लेस यू, लव यू, एंड होप यू एंजॉय दिस। ओके जी, अब आप देख आपको नजर आएगा कि अब हांडी कहाँ तक पहुँची है जी, अब इसको भूनना है। तो बिल्कुल आपने देखा कि गोभी का जो फूल है ना बिल्कुल टूटा हुआ है, ठीक है। अभी हम चाहते हैं कि ये जो आपको मोटे मोटे पीसेस आते हैं हम कम्प्लीटली इसको ना बिल्कुल एक तरह का ट्यूमर कर देते हैं गोभी का, एंड दैट्स हाउ वी लाइक इट, दैट्स हाउ वी लाइक इट। सो दिस इज हाउ वी मेक इट। अमित जी भी ऐसे फील करते हैं, देयर यू आर, सो दैट वी हैव दैट। तो अब इसको क्या करना है, इसको भूनना है। हाई आग पे, हाई आंच पे। For how long? अच्छा, इसको मैं भूनूंगा। ओके गाइज, सो हियर वी आर, एज यू कैन सी हियर, इसको भून रहा हूँ गोश्त को, गोभी को बिल्कुल देख के हम इसको फाइनल टच दे रहे हैं। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि गोभी का फूल बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, खास गोभी एट ऑल कम्प्लीटली मैश डाउन। मुझे लगता है कि इसमें जायका ज़रा लज़त बिल्कुल अंदर तक चली जाती है। एंड ये जी गरम मसाला, गरम मसाला ऐड करेंगे, ठीक है। ये गरम मसाला आ गया इसके अंदर, और उसके ऊपर डालेंगे धनिया, धनिया पर गोभी गोश्त। और अगर अभी खाना तो बहुत अच्छी बात है, अगर नेक्स्ट डे खाते तो वो भी और रच जाती है मसाले। और ये होगी तैयार आपकी गोभी गोश्त, और ये तंदूरी की रोटी, ये भी आपको दिखाएंगे रूबी ने नॉर्मल तवे के ऊपर बनाई है, जो आप देख सकते हैं वेरी नाइस सिंपल। और आपको ये रेसिपी भी दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट वीडियो एंड सी हाउ यू लाइक इट। कुछ मोमेंट ऑफ ट्रुथ, माय फर्स्ट एपिसोड बाय इंडिया पास हो गए।